So welcome friends again. Now we'll start with important problems in magnetic effect of electric current. Here you will not get numericals, put the value, get the result, nothing you will get. You will directly get the questions which are regarding to the thinking process. What will be this, what will be that, what will be the magnetic field, here it will be more or here it will be more. In that way they will ask you to compare something. Many type of questions are there. Already I have given you many sheets in that, you have seen that. तो पहले एक प्रॉब्लम लेते हैं. ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहां पे तीन पॉइंट, ओके ए है वो एक मीटर पे है, बी है दो मीटर पे, सी है तीन मीटर पे. Which option is correct? ऑप्शन दे सकते हैं आपको. मैग्नेटिक फील्ड एट बी विल बी ग्रेटर देन सी विल बी ग्रेटर देन ए. बी में क्या कर सकते हैं, A will be greater than B will be greater than C. C में बोल सकते A will be less than B less than C. D में बोल सकते none of this. तो आपको एक लॉ आता है बायोट्स और लॉ करके, उसमें से आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस. लॉ तो आपको नहीं है लेकिन दिस यू मस्ट बी नोइंग. तो कंडक्टर के अक्रॉस, कंडक्टर के बाजू में मैग्नेटिक फील्ड पहले तो ऐसे निकलता है, इन दिस वे ऐसे, और कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में बनता जाता है. और जैसा डिस्टेंस आपका बढ़ जाता है, आपका फोर्स, नॉट फोर्स हाँ सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, इन 12th क्लास माय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज गोइंग ऑन. In that I am using, always using force. That's why I wrote force. So magnetic field will be inversely proportional to the square of the distance. Of course, jiska distance sabse jyada, uska force sabse kam. Jiska distance sabse kam, uska magnetic field sabse jyada. So A greater than B greater than C, that will be the option. Okay? Theek hai. Dusra karte. Now I will give you same problem only थोड़ा सा change करता हूँ इसमें. अभी आपको पूछ सकते हैं same everything same, only आपको बताएंगे यहाँ पे A दे देंगे 1 meter, यहाँ पे B दे देंगे 1 meter, ये I है, और यहाँ पे C दे देंगे 2 meter. तो क्या option वगैरह नहीं देता मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ. तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए एंड मैग्नेटिक फील्ड एट बी, इसको बी नहीं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि बी बी वो सेम हो जाएगा. और मैग्नेटिक फील्ड एट ए ये लेस है, ये ग्रेटर है, विल बी ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट सी. मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू विल बी ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट सी. ये तीनों को मिला के ऑप्शन बनेगा आपका, ऑप्शन बनेगा बी ए इज इक्वल टू बी क्यू ग्रेटर देन बी सी. बी ए इक्वल टू बी क्यू ग्रेटर देन बी सी, ऐसा बन जाएगा. तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट, वी कैन फाइंड आउट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज मीन्स ग्रेटर और लेस फॉर अ गिवन कंडक्टर. ओके गो फॉर नेक्स्ट वन.
सपोज आपको कंडक्टर दिया है, इसमें से करंट जा रहा है ऐसे, तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड रूल डालने का, ओके राइट हैंड रूल का यूज करने का, तो यहाँ पे नीचे जा रहा है ऊपर से ऊपर, जहाँ पे नीचे जा रहा है गोइंग इन, तो उसको क्रॉस करने का ऑलवेज, कमिंग आउट डॉट करने का, ओके दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डाउन साइड पे मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इन, अप साइड पे कमिंग आउट, ऐसे निकाला करंट ऐसे है, अभी कैसे हो जाएगा ऐसे है, तो यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर आएगा, अंदर जाएगा मतलब यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट, ऐसे निकालते हैं। आपको अगर कॉइल दिया है करंट ऐसे दिया, ये तो आपको मालूम है, फिर से बता रहा हूँ आपको, ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ये ऐसे किया तो ये थंब कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, ऐसे किया तो मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इन, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। अभी मैंने किया एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे किया करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो इन दिस वे वी दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ओके। सो दिस इज द थिंग। सो फॉर ये मैंने, मेरे ख्याल से मैंने पहले लेक्चर में, पहले या दूसरे लेक्चर में इसका मैंने आपको वर्कशीट भी दिया था, है ना, ओके। सो व्हाट टू डू नेक्स्ट, ओके, इसमें बहुत से ग्राफिकली ये होने वाली प्रॉब्लम आते हैं, ग्राफिकल सब आते हैं। तो ये लेंज लॉ का केस बताता हूँ, लेंज लॉ मैंने आपको सिखाया है, मैग्नेट कमिंग टूवर्ड्स एंड मैग्नेट गोइंग अवे, ये तो मैंने इसका प्रैक्टिस बहुत लिया है, ये शायद तीसरी बार आपको बता रहा हूँ मैं, है ना। तो वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको बताओ अभी एक फिर से एक बार बताता हूँ, वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर मैग्नेट, आज तो मैं इसके पीछे का बाकी कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी बताया है मेरे वीडियो में, वो जाके देख लो आप। आज तो मैं इसका डायरेक्ट बताऊंगा, नॉर्थ पोल इज कमिंग टूवर्ड्स द कॉइल। तो आप एक रूल बनाओ, लिख लो नोटबुक में, बाद में उसको डायरेक्टली हार्ड डिस्क पर डालो, मैग्नेट नॉर्थ पोल इज कमिंग, अगर नॉर्थ पोल आ रहा है तो उसको रिपेल करने के लिए कॉइल क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, तो ऐसे दिखाने का, एन निकालने का, एन को ऐसा बनाने का, तो ये क्या बन जाए, करंट जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इंड्यूस्ड करंट, ओके। अगर नॉर्थ पोल अवे जा रहा है तो उसको, नॉर्थ पोल अवे जा रहा है, अभी वो अवे जा रहा है मतलब उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, नॉर्थ पोल को, नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करने के लिए इसको कौन बनना पड़ेगा, साउथ पोल बनना पड़ेगा, तो ये एस बनाने का, ऐसा साउथ, साउथ मतलब क्लॉकवाइज, करंट जाएगा क्लॉकवाइज। और यहाँ पे अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऐसे है, अगर आपकी बाजू से यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज है, मतलब यहाँ पे लेने का नॉर्थ पोल और यहाँ पे लेने का साउथ पोल, मतलब ये नॉर्थ, नॉर्थ मतलब यहाँ पे नॉर्थ है आपका, एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे कॉइल के इस साइड पे नॉर्थ होगा, कॉइल के उस साइड पे साउथ होगा, यहाँ पे कॉइल के इस साइड पे साउथ होगा और उस साइड पे नॉर्थ होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। सो इन दिस वे दिस टॉपिक डजंट हैव मेनी सच प्रॉब्लम्स लाइक दैट, स्टिल यू मे फाइंड फॉर द डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स, बट द बेसिक इज रिगार्डिंग टू दिस ओनली, आइदर दे विल टेल यू टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और दे विल ट्राई आस्क यू टू फाइंड आउट द करंट डिरेक्शन, और जब जैसा मैंने आपको रिविजन में लिया था, ये क्या हो जाएगा, पीछे जाएगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या हो जाएगा, ऐसे इसको बांध देते हैं, थ्रेड से बांध देते हैं, ऐसा बहुत होता है, ओके। सो दैट वॉज रिगार्डिंग टू द प्रैक्टिस फॉर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज मैं आपको थोड़ा सा और एक्सरसाइज देता हूँ, वो आप घर में करो।
ओके लेट्स स्टार्ट विद दैट। यहाँ पे मैं बताने वाला नहीं हूँ, आपको करना है। यहाँ पे क्या किया है, एक मैग्नेट लिया मैंने, ठीक से देखो। यहाँ पे एक कॉइल है और यहाँ पे कॉइल है, ठीक से देखो, आंसर जम्बलिंग हो जाएगा। और रैपिडली मूव किया, इसको रैपिडली मूव करने का जरूरत है। अगर स्लोली मूव किया तो करंट प्रोड्यूस नहीं होता है ना। स्लोली मूव किया तो करंट प्रोड्यूस नहीं होता, रैपिड मूवमेंट इज इम्पॉर्टेंट हियर ऑलवेज। तो यहाँ पे आई वन और इसकी इस साइड पे आई टू, तो यहाँ पे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये साइड देखना है, और इस साइड पे यहाँ से देख रहा हूँ। ओके, तो आपको पूछते समय ऐसे निकाल के दे दिखाएंगे, थोड़ा सा और कहानी में ट्विस्ट। तो वो बोलेंगे आपको फाइंड डायरेक्शन ऑफ आई वन एंड आई टू एज शोन। शोन मतलब जैसा आंख दिखा है वैसा डिरेक्शन निकालना होगा। ओके, तो यहाँ पे आप निकालो, अभी आई वन के लिए इस ऐसा मैग्नेट आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, तो इधर कौन सा डिरेक्शन होगा, यहाँ से देखा तो मतलब आई वन को नॉर्थ पोल आ रहा है, तो यहाँ पे ये कॉइल क्या बन जाएगा, कौन सा पोल बन जाएगा, और मैंने अगर इधर से देखा तो वो कैसे घूम, मतलब अगर वो इधर से ऐसे जा रहा है तो मेरे लिए यहाँ से वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसे घूम रहा है तो मेरे लिए क्लॉकवाइज, वो आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए साउथ पोल अवे जा रहा है, साउथ पोल अवे जा रहा है मतलब उसको अट्रैक्ट करने के लिए इसको इधर नॉर्थ पोल बनाएगा, इधर क्या बनाएगा, नॉर्थ पोल बनाएगा, वो देखो। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। और एक अभी क्या करते हैं, और एक आपको ऐसा भी दे सकते हैं, और इसका डायरेक्शन निकालने का, ये भी डायरेक्शन आना चाहिए आपको, ये ऐसा दे देंगे। यहाँ पे आंख, यहाँ पे यहाँ भी दिया है, तो नीचे से कैसे दिखेगा, यहाँ पे ऊपर से दिया है, तो अभी साउथ पोल नजदीक आ रहा है। तो ये तीन केस में आप ट्राई करो, आज के लिए बस इतना काफी है, एक ये दो और है तीन। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाए, आपको कुछ दिक्कत आ जाए, यू मे आस्क मी। ओके, थैंक्स अ लॉट, स्टे होम, स्टे सेफ, और रेगुलर पढ़ाई करो। 10th ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर एग्जाम्स ऑल्सो दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, एंड यू आर लर्निंग फॉर द फाउंडेशन कोर्स ऑल्सो, दैट विल हेल्प यू फॉर योर 11th एंड 12th। एंड वन थिंग आई हैव टू टेल बेटा बिफोर कंक्लूडिंग माई लेक्चर, आज जो आप करोगे, आज अभी इसी वक्त जो आप करने वाले हो, दैट विल बी लाइक अ सीड। ओके, लाइक अ सीड, ओके, यू आर जस्ट थ्रोइंग दैट सीड। कल वो करने वाले हो, परसों जो करने वाले हो, तरसों जो करने वाले हो, वो हो जाएगा जैसे फार्मर एक बार सीड ड्रॉप करने के बाद बहुत सारे एक्टिविटीज करता है, उसका केयर लेता है, एंड देन द क्रॉप विल बी ग्रोन आफ्टर सम टाइम। तो अगर 10th में आपने ये ठीक से सब किया है, तो आपका वो क्रॉप आपको 12th में मिल जाएगा। ओके, तो वो 12th के क्रॉप के लिए आपको ये सीड्स वगैरह ठीक से थ्रो करना होगा,
और आपके फार्म का आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन फार्म. सो फार्म इज योअर्स, सॉइल इज योअर्स, यू हैव अ वाटर. ओके नाउ ओनली द थिंग यू मस्ट डू दैट इज एफर्ट्स. ओके थैंक यू बाय.